भी सबूत मिलेंगे। शिवलिंग मिला भी है। आरती करें, उनको भोग लगाएं, उनको उनकी पूजा करें, जो सही है वो सामने आ जाए उसको हम लोग मानेंगे। अगर ये हिंदू टेम्पल है तो हमें वापस मिले। माथे पर त्रिपुंड लगाए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ वाराणसी की सुबह हुई तो हलचल रोज से ज्यादा थी, क्योंकि वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी के मसले पर आज फैसले का दिन था। लेकिन जैसे ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद की दावेदारी सदियों पुरानी है, जाहिर है कि वैसे ही फैसला होने में भी लंबा वक्त लगेगा। डेवलपमेंट ये है कि 7/11 पे सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि 7/11 पे सुनवाई 26 तारीख से होगी। ये मुकदमा पोषणीय है कि नहीं, इस पे आर्गुमेंट्स शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये केस वाराणसी सिविल कोर्ट से वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया जा चुका है। जिला कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ समझिए। आज भी कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की आपत्तियां पूछी। सोमवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट के साक्ष्य की कॉपी देने की मांग की थी। केस की वैधता को लेकर भी हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 26 मई के लिए तय कर दी। देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि जो 7/11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, चाहे उसको 7/11 कहिए, चाहे मेंटेनेबिलिटी कहिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहिए, उसको 26 तारीख को सुना जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है। एक हफ्ते का समय दिया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। और जो वीडियोग्राफी और सीडी की हमने मांग की थी, फोटोग्राफी की, कोर्ट ने कहा उस पर भी हम ऑर्डर पास करेंगे और उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करेंगे। इस केस में सबसे ज्यादा अहम मामला वैधता का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिला कोर्ट को ये तय करना है कि केस सुनवाई के योग्य है या नहीं। रूल 7/11 पे पटल पे रखा हुआ है और विपक्षी द्वारा उसको फोकस्ड किया जा रहा है और साथ में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन इस संदर्भ में था तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पोषणीयता पर बात होगी 26 तारीख को। हाँ जी जी, पोषणीयता पे ही बात होगी 26 तारीख को। 26 मई को ये डिसाइड किया गया। आपने जिस तरीके से रिपोर्ट मांगने की बात की थी उसको भी कंसीडर करने की बात कही थी। माननीय न्यायालय ने कहा कि मैं आदेशित कर देता हूँ, कल आप प्राप्त करें। पहले दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में इसी ऑर्डर का जिक्र करते हुए 1991 के धर्मस्थल कानून का हवाला दिया। ये कानून केस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करता है। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट और सबूतों को सामने रख सुनवाई की अपील की। हिंदू पक्ष कह रहा था कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, एक तो उसकी कॉपी दी जाए और उसको भी एक आधार माना जाए, क्या उसको सुनने के लिए कहा? उसके लिए माननीय न्यायालय ने यह कर दिया कि पहले 7/11 के अपीलिंग की सुनवाई होगी, अन्य जितने प्रार्थना पत्र हैं उनकी सुनवाई बाद में की जाएगी अगर केस मेंटेनेबल पाया जाएगा तो। अगर केस ही मेंटेनेबल नहीं पाया जाएगा तो बकिया जितने प्रार्थना पत्र हैं, चाहे वो कमीशन के संबंध में हो, चाहे दीवार गिराने के संबंध में हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब यूजलेस हैं। फवारे और शिवलिंग के दावे पर भी कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें लेकर तैयार हैं। लेकिन कुछ भी तय होने से पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ये भी मांग रख दी है कि उन्हें शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जाए, साथ ही सर्वे में की गई वीडियोग्राफी और तस्वीरें उपलब्ध कराई जाए। माननीय जिला जज विश्वेश जी ने स्पष्ट कहा कि सभी वाद 26 तारीख से सुने जाएंगे। आने वाले शनिवार रविवार को भी छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी उस दिन सुनवाई होगी। उसी दौरान हम लोगों ने यह कहा कि जांच किए गए जांच कमीशन के दौरान हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और चिप चाहते हैं, वो आप शुल्क देकर के आप ले सकते हैं। ये मामला ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर का है, जिसकी याचिका 2021 में ही लगाई गई थी। इससे पहले मूल केस 1991 का है, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष की दावेदारी जताई गई है। इस केस के खिलाफ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।